Hi guys, welcome back to Attorney's Bureau, and today we'll be discussing some case laws, and it is another video in the series in the case laws on law of torts, or on the case laws which built the foundation of law of torts. So we have already done two videos in which the last case that we discussed was State Bank of India versus Shama Devi. And मैंने first part के मतलब law of torts पे जो cases बनाए हैं उसी के first part के end में बोला था कि in the first part we have discussed 5 case laws. लेकिन after watching my video like again, I realized that we had not covered Haynes versus Harwood case in the first video. तो आज हम पहले Haynes versus Harwood cover करेंगे. उसके बाद Stanley versus Powell, Brown versus Kendall, Scott versus Sheffield, State Bank of India versus Shama Devi. ये चार हम already second video में cover कर चुके हैं. तो पहले हम ये वाला करेंगे Haynes versus Harwood, and then we'll be starting off with Lloyd versus Gray Smith and Corporation. Okay? तो पहले मैं केस लॉ पूरा रीड करूंगी एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग या फिर आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू रीडिंग टू थ्री लाइंस एंड देन एक्सप्लेनिंग देम. ओके, वी कैन डू इट इधर वे, लेकिन आई विल प्रेफर इट डूइंग कि मैं पूरा केस पढ़ूं फिर समझा दूं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने में और बताने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और इससे वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी. सो टू सेव योर टाइम एज वेल एज माइंड, आई विल रीड द केस लॉ फर्स्ट एंड देन एक्सप्लेन यू. तो पहला केस जो आज हम शुरू करने वाले हैं इज Haynes वर्सेस Harwood. इन Haynes वर्सेस Harwood, द डिफेंडेंट लेफ्ट अ हॉर्स कैरेज आउटसाइड अ बिल्डिंग एब्सोल्युटली अनअटेंडेड. हॉर्स कैरेज मतलब जो कार्ट होता है, हॉर्स जिसमें जिसके आगे हॉर्स लगा हो. सम अर्चन्स प्लेइंग नियर बाय थ्रू स्टोन्स एट द हॉर्स. द हॉर्स अनब्रिडल्ड इटसेल्फ एंड स्टार्टेड रनिंग अमॉक. This frightened the passerby and everybody started running. A police constable who was on duty in nearby police beat box decided to take charge of the situation and succeeded in stopping the horse. In the process of doing so, he sustained injuries and claimed damages from the defendant. The defendant was held liable and was prevented from setting up the defense of voluntary non-fit injuria. तो इस केस में क्या होता है कि एक person अपना हॉर्स कैरेज बिल्कुल अनअटेंडेड मतलब बिना देखे कहीं खड़ा कर देता है. तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं जो उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू करते हैं हॉर्स के ऊपर. इवेंचुअली हॉर्स अपने कैरेज को छोड़कर इधर उधर भागने लगता है. एक हॉर्स को ऐसे खुला आप भागते हुए देखकर एक पासर बाय, एक कोई आम आदमी जो पास कर रहा होता है उस स्ट्रीट के पास से, वो डर जाता है. और ये पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक पुलिसमैन जो वहाँ पर एक लाइक पुलिस शटल्स होती हैं जिसमें पुलिसमैन बैठे होते हैं, उसमें पुलिसमैन बैठे ने देखा और उसने इस सिचुएशन का चार्ज लेने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी. तो ऐसे पासर बाय को बजाते बचाते और हॉर्स को बांधते हुए उसे कुछ इंजरीज आई जिसकी उसने डैमेजेस क्लेम करनी चाहिए डिफेंडेंट से. और कोर्ट में इस केस में डिफेंडेंट को लायबल समझा और उसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की डिफेंस लेने से रोक दिया. तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया पहले तो हम समझते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल. इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मतलब जो हम वायलेंटली कुछ मतलब वायलेंटली नहीं इसका है, वॉलंटियर कर हम कोई काम करें खुद और उसमें अगर हमें कोई इंजरी सस्टेन हो तो हम किसी और को लायबल नहीं बता सकते. तो टेक्निकली अगर हम इस केस में देखें तो पुलिस वाला खुद गया था वहां पर उसे हॉर्स को बांधने के लिए, पासर बाय को बचाने के लिए. तो वो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो वहां पर गया, वो वॉलंटियर उसने वॉलंटियर किया पासर बाय को बचाने के लिए. तो इस केस में तो कोर्ट को यही बोलना चाहिए था इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ही द डिफेंडेंट इज नॉट लायबल और जो उसे जो भी चोट लगी पुलिसमैन को वो इसीलिए लगी क्योंकि उसने वॉलंटियर किया वहां पर जाने के लिए, हॉर्स के सामने जाकर हॉर्स का सामना करने के लिए. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ और यही इस केस की खासियत है जिसके कारण इसे लैंडमार्क जजमेंट्स में डाला है. तो इस केस में डिफेंडेंट को लायबल ठहराया गया और उसे बोला गया कि जो भी डैमेजेस पुलिसमैन को हुई हैं वो उसे पे कर दी जाए. तो ये केस लॉ खत्म हो गया एंड द नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग इज लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन.
with this case, Miss Lloyd's approached Miss Grace Smith and Co. to seek investment-related advice. The clerk who attended her asked her to sell her properties and then reinvest in the proceeds. Miss Lloyd signed certain documents which were supposed to be the sale deed. Actually, it turned out to be a gift deed in favor of the clerk. The clerk disposed the property and misappropriated the funds. It was held that the company was liable for the fraudulent acts of the clerk. तो इस केस में मिस लॉयड होती हैं जो जो एक क्लर्क के पास जाती हैं, एक बैंक के पास जाती हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ पता करने के लिए. तो वहां पर जो क्लर्क उन्हें अटेंड करता है उस बैंक के अंदर, वो उन्हें कुछ पेपर्स पे साइन करने को बोलता है जो उसके अकॉर्डिंग, क्लर्क के अकॉर्डिंग पेपर्स बोलते हैं. मतलब बेसिकली क्लर्क ने मिस लॉयड को ये बताया कि इन पेपर्स में लिखा हुआ है कि इन पेपर्स के द्वारा आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे एंड री इन्वेस्ट करेंगी. तो यही सुनकर मिस लॉयड ने पेपर्स पर साइन कर दिया, लेकिन मतलब रियल में उन पेपर्स पर लिखा हुआ था कि आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट दे रहे हैं टू द क्लर्क. तो इसी बात का, पेपर साइन होने के बाद इस बात का फायदा उठाते हुए क्लर्क ने सारे फंड्स मिस अप्रोप्रिएट कर लिए और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लिए. तो इस केस में कंपनी जो ग्रे स्मिथ एंड कंपनी थी या कॉरपोरेशन थी, उसे लायबल ठहराया गया और वहां के क्लर्क को फ्रॉडुलेंट एक्ट्स के लिए लायबल बताया गया. तो इसमें प्रिंसिपल जो यूज हुआ है जिससे हम इस केस के जजमेंट पर आते हैं इज दैट द एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब जब भी कोई एम्प्लॉय कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करेगा तो उसका सारा पनिशमेंट अमाउंट होगा कंपनी को. तो इसी केस में लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी वॉज लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स ऑफ द क्लर्क. तो इसमें कंपनी वॉज लायबल फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट्स ऑफ द क्लर्क. द नेक्स्ट इज मॉरिस एंड सी डब्ल्यू मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड. द डिफेंडेंट वॉज रनिंग अ ड्राई क्लीनिंग सर्विस. A fur coat entrusted to him for dry cleaning was stolen by one of the servants of his company. Held the defendant was liable for the theft of the servant. तो ये केस बिल्कुल सिमिलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सिमिलर प्रिंसिपल पे इस पे जजमेंट बेस्ड है जिसपे थी लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कॉरपोरेशन की. तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी पर्सन अपना ड्राई क्लीनिंग, अपना कोट ड्राई क्लीन के लिए देने जाता है और उसे मतलब ऐसे बोलता है कि कुछ दिनों में मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस कोर्स वहां पर जो ड्राई क्लीनिंग करने वाले सर्वेंट्स थे उस कंपनी के, किसी ने, उनमें से किसी ने वो कोट चुरा लिया. तो इस केस में जब उसने, जो कस्टमर था, उसने कहा कि मेरा कोट ऐसे चोरी हो गया और कोर्ट को उसने अप्रोच किया, तो कोर्ट ने जजमेंट सुनाई कि इस केस में द जो कंपनी के अथॉरिटीज हैं या कंपनी है वो लायबल होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्वेंट हु हैज स्टोलन द कोट और हु हैज कमिटेड दिस थेफ्ट. तो इसमें लास्ट लाइन में दिया हुआ है हेल्ड द डिफेंडेंट वॉज लायबल फॉर द थेफ्ट ऑफ द सर्वेंट. तो इसमें यही यूज हुआ है क्योंकि वो उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, सर्वेंट ने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चोरी किया था ना कोर्ट, क्योंकि जब वो ड्राई क्लीनिंग शॉप पे ही उसने चोरी किया कोर्ट. और इसीलिए इस पे भी वही लीगल प्रिंसिपल लगेगा विच इज एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और इस प्रिंसिपल में बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखना या बोलना, या कहीं पे भी कुछ भी सोचते भी हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को, देन ऑल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर कोई भी काम करेगा, गलत काम, फ्रॉडुलेंट एक्ट करेगा, तो उसके लिए कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा. क्योंकि उस समय, जिस समय वो कंपनी से बाहर था या कंपनी का काम नहीं कर रहा था, उस समय उसका और कंपनी का कोई रिलेशन नहीं था. द नेक्स्ट इज बेले वर्सेस मैनचेस्टर शेफील्ड. A railway company appointed porters to assist passengers to board the right trains. One passenger had got into the right train, but a porter erroneously thought the passenger was on a wrong train. He therefore pulled him out and put him in another train, held the railway company was liable for the mistake of the servant. So, इस केस में एक रेलवे, मतलब एक रेलवे कंपनी थी जिसने
अपॉइंट किया था कुछ लोगों को कि वो पैसेंजर्स को बताएं कि उनके लिए सही ट्रेन कौन सी है, मतलब जिस ट्रेन की वो खोज कर रहे हैं वो कौन सी ट्रेन है, और पैसेंजर्स को सही ट्रेन तक पहुंचाएं। तो ऐसी एक रेलवे कंपनी थी जिसने ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंट किया। तो एक बार क्या होता है कि एक पर्सन सही ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, और ऐसा ही एक पॉटर जो ऐसे पैसेंजर्स को सही ट्रेन्स में बिठा रहा होता है, उसे गलती से लगता है, बाय मिस्टेक उसे गलती लगती है कि वो जो पैसेंजर बैठा है एक ट्रेन में वो गलत ट्रेन में बैठा है। तो वो उसे बुलाकर दूसरी ट्रेन में बिठा देता है और कहता है कि ये सही ट्रेन है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो रॉन्ग ट्रेन थी जिसमें उसने बिठा दिया। तो इस केस में भी कंपनी, रेलवे कंपनी को मिस्टेक के लिए, सर्वेंट की मिस्टेक के लिए लायबल ठहराया गया। तो द थ्री केसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड को, मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स, बेले वर्सेस मैनचेस्टर शेफील्ड, इन तीनों केसेस में सेम ही प्रिंसिपल लगा, विच इज दैट एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप कि आपको ये एक प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ आ गया होगा इन तीनों केसेस की एग्जाम्पल से। और एंड साइड बाय साइड वी हैव कवर्ड फोर केसेस। तो चार केसेस जो आज हमने कवर किए हैं आर, फर्स्ट इज हाइंस वर्सेस हार्वुड, देन सेकेंड इज लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी, थर्ड इज मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड, एंड फोर्थ इज बेले वर्सेस मैनचेस्टर शेफील्ड। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दी फोर केसेस। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर अनदर फोर केसेस जो कि होंगे द नेक्स्ट फोर बेसिकली। So if you still have any doubts, you can ask in the comment section below, or you can ask on my email, or you can also ask on, एक मैंने लीगल प्रिंसिपल्स की वीडियो बनाई है तो आप वो भी देखें, उसमें से कोई डाउट है वहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं उस वीडियो के। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज रिलेटिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स और एनी लॉ केसेस। तो प्लस आप नीचे ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन सी वीडियोस देखनी है, फॉर एग्जांपल कि मैं AP भारद्वाज जो बुक है उसमें से वीडियोस बनाऊं, या फिर क्लैट बेस्ड वीडियोस बनाऊं, या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स या लॉ कोई भी लॉ केसेस पर वीडियोस बनाऊं। सो आई विल बी मोर देन ग्लैड टू वेलकम ऑल द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।